सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल टैग विद संजय को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हम लोग आ गए हैं और एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम लोग बात करेंगे, अगर आपका क्रिप्टो करेंसी मिस हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी या फिर बिटकॉइन जो भी हो आपने खरीद के रखा हुआ था और वो अभी आपका पास नहीं है, मतलब एक महीना हो गया, दो महीना हो गया मैंने देखा नहीं था, पर अभी जो चेक किया तो वो मिसिंग था, मेरा जो क्रिप्टो करेंसी था वो बिल्कुल गायब हो चुका है। तो ये किस लिए होता है उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से होता है ये और क्यों होता है, तो चलिए आपका सवाल का जवाब जो है मैं आपको दे देता हूँ कि भाई क्यों ये जो है आपका, अगर आपने कुछ छोटा मोटा अमाउंट का जो ख़रीद के रखा हुआ था वो आपका गायब हो जाता है या फिर चला जाता है। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है आपको आगे भी मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये मेरा साथ भी हो चुका है, तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्यों होता है ये। तो मैंने जो है जेपे में यर्न फाइनेंस का जो कॉइन होता है मैंने उसको ख़रीदा था। तो देखिए यहाँ पर जो है यर्न फाइनेंस, ये देखिए, ठीक है, तो इसको जो है मैंने ख़रीद के रखा था लगभग 200 रुपया के आसपास, ठीक है, 280 270 ऐसा कुछ था मेरा, तो 200-300 का आसपास मैंने यहाँ पर ख़रीद के रखा था। वो 200-300 क्यों ख़रीदा, क्योंकि मैंने बिटकॉइन ख़रीदा, बिटकॉइन ख़रीदने के बाद जो मेरा पास बच गया था पैसा, एक्स्ट्रा पैसा बच गया था 200-300, तो मैंने सोचा कि भाई चलो मैं इसमें थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ यर्न फाइनेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ख़रीद के ऐसे रख दिया। तो बाद में मैंने क्या किया, मैंने किया बिटकॉइन जो है जो मैंने ख़रीदा हुआ था मैंने उसको बेच दिया, ठीक है, जितना जितना मेरा बिटकॉइन था मैंने सब बेच दिया, और मुझे क्योंकि पैसा का ज़रूरत था इसीलिए मैंने बिटकॉइन जो है बेच दिया और बिटकॉइन का बैलेंस मेरा ज़ीरो कर दिया मैंने, ठीक है। तो पर यहाँ पर जो यर्न फाइनेंस हुए तो यहाँ पर जो है मेरा 200-300 का ऐसे बैलेंस था थोड़ा बहुत, ठीक है। तो एक महीना दो महीना मैंने इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा चलो ऐसे रख देते हैं, देखते हैं एक दो महीने के बाद अगर प्राइस जो है इंक्रीज़ होता है तो मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। तो कुछ दिन का बाद देखा मैंने कि भाई एक महीना या फिर डेढ़ महीने का बाद मैंने चेक किया, पर यर्न फाइनेंस में जो है मेरा एक रुपया भी नहीं था, यहाँ पर बिल्कुल जीरो जीरो था, देखिए यहाँ पर बैलेंस जो है जीरो बता रहा है क्योंकि यहाँ पर पैसा ही नहीं था, ठीक है। तो ये होता क्यों है मैं आपको बताता हूँ, मेरा मैंने इसके बारे में कंप्लेंट किया था, तो मैं आपको कंप्लेंट जो है मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या कंप्लेंट किया था। तो यहाँ पर देखिए माई टिकट पर चलिए, माई टिकट पर जाने के बाद जो है यहाँ पर मैंने कंप्लेंट किया हुआ था, तो ओके, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, ऑल टिकट पर जाइए, तो एक्सप्लोर टिकट पर क्लिक कीजिए, ओके। तो देखिएगा यहाँ पर जो उन लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है वो मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ओके, चलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट लेके रखा था अभी। तो यहाँ पर जो है मेरा टिकट जो है ये खोल चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें जो है कंप्लेंट किया था कि भाई आई बॉट यर्न फाइनेंस बट नाउ बैलेंस इज नॉट शोइंग, तो मेरा जो बैलेंस है वो शो नहीं कर रहा है। तो भाई ये क्यों हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने भेजा था कि भाई मैंने कब ख़रीदा था और मैंने इसको बिल्कुल बेचा भी नहीं, पर मेरा जो यर्न फाइनेंस का जो कॉइन है वो जो है गायब हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए जेपे का तरफ से जो है इसमें लगभग आपका जो है एक महीना का लगभग लग जाता है जेपे के टीम का तरफ से जो है रेस्पॉन्ड मिलने में, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पेंडिंग जो है इस तरह का जो है इशू चलता रहता है, तो वो लोग एक एक करके रिप्लाई करते हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मुझे बताया गया भाई एपोलॉजी किया है उन लोगों ने और बोला है कि भाई डिटेल यू हैव चार्ज इन, तो जो है ये जो है उन लोगों ने मेंबरशिप फ़ी के लिए चार्ज किया है, यहाँ पर पूरा क्लियरली कह गया कि भाई इतना जो जितना आपका यर्न फाइनेंस था, जितना भी आपका पास कॉइन था वो जो है आपका मंथली फ़ी का चार्ज किया गया है, तो महीने में आपका जो है फीस जो है वो लोग चार्ज करते हैं। क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, इससे बचने का तरीका क्या है, अगर आप एक महीने के अंदर में अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, आपने कॉइन खरीद के रख दिया और आप कुछ भी नहीं करते हो, ख़रीदना ना बेचना ना डिपॉजिट ना कुछ भी नहीं करते हो, तो वहाँ पर क्या करेगा वो लोग 0.0001 इतना बिटकॉइन जो है आपका काटा जाएगा मंथली फ़ी का हिसाब से, ठीक है।
अगर आप वहाँ पर एक्टिविटी करते रहते हो, एग्जांपल आप खरीदते हो, बेचते हो, डिपॉजिट करते हो, तो अगर ऐसा करते रहते हो तो आपको जो है ये बिल्कुल नहीं काटा जाएगा, आपको बिल्कुल फ्री में जो है वो लोग आपको कोई भी फीस नहीं लेगा, ठीक है। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो वो लोग जो है एक महीने में इतना जो है आपका काटा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इतना का कितना होता है मैं आपको बताता हूँ, अभी का प्राइस जो बिटकॉइन का चल रहा है उसके हिसाब से जो है 280 का लगभग इतना काट लिया जाता है एक महीने में, ठीक है। अभी का प्राइस बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा तो ये प्राइस भी ऊपर जाएगा, ठीक है। 280 से भी ऊपर जा सकता है, जिस जैसे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा उसका हिसाब से जो है ये फी जो है चार्जेस करेगा, ओके। तो यहाँ पर जो है देखिए मेरे मेंबरशिप फ़ी के लिए काटा गया है, और यहाँ पर वो लोगों ने साफ साफ बताया कि भाई इतना बिटकॉइन जो है वो लोग मेंबरशिप फ़ी का हिसाब से लेते हैं। आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो क्यों होता है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ो, और मैंने तो पढ़ लिया। वही बात है कि भाई आपको एक्टिविटी करते रहना है, अपना जेब पे अकाउंट हो, किसी पे भी हो, कि दूसरा जो एप्लीकेशन है उसमें भी शायद ऐसा ही होगा। फिलहाल मैं अभी जेब पे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप लोग जेब पे में अगर यूज़ करते हो तो भाई महीने में कुछ ना कुछ तो किया करो, ठीक है। नहीं तो आपका जो है ऐसे 300 रुपये के आसपास जो है 300 का आसपास जो है आपका काटा जाएगा। तो यही बात है कि भाई आपका पैसा जो है गायब हो जाता है, या फिर आपका कॉइन जिस जो आप खरीद के रखे हुए थे तो वहाँ से जो है आपका डिडक्ट हो जाता है, या फिर आपका कम हो जाता है, या फिर आपने अगर कम खरीद के रखा है 200-300 का तो वो जो है आपका गायब हो जाता है। तो यही रीज़न है, ठीक है। आपको इसमें कोई घबराने का बात नहीं है, जो चला गया गया। तो आपको करना क्या है, अभी तो आपके समझ में आ गया कि भाई महीने का जो है पैसा लेता है अगर आप कुछ भी नहीं करते हो तो उसमें आपको करते रहना है, डिपॉजिट खरीदना बेचना कुछ ना कुछ तो आपको करना है, ठीक है। ओके, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको आगे भी मिलता रहे। तो वीडियो बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोग जो है इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करोगे तो उन लोगों के पास भी ये पहुँच जाएगा। थैंक यू।